आज अच्छे लग रहे हैं ना अम्मा? हाँ तो अच्छे हैं भाई। सनी अभी क्या खा रहा है तू? रस और बॉर्नविटा वाला दूध। ये लो। तो हम लोग नहा धो के फिर निकल चुके हैं एज यूजुअली हमारे नए वाले अपार्टमेंट में। ये हम पहुंच गए अपने अपार्टमेंट के गेट पर। तो हम वापस जा रहे हैं अपने घर और मम्मी के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है, पापा करेंगे। अभी दादी माँ और बाबा से बात हुई, बाबा को मैंने पूरा घर दिखाया घूम घूम के, उन्हें बहुत पसंद आया। तो बस निकलते हैं घर की ओर, चलिए। तो हम आ चुके हैं मार्केट में और इधर जो सामान सब लेना है, शॉपिंग करनी है कुछ कुछ, और धूप भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. तो अभी 3 बज रहे हैं और रात के समय जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो फाइल करप्ट हो गए थे तो एडिट नहीं हो पाया था और अभी तक एडिटिंग चल रहा है। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल था तो अभी वही एडिटिंग चल रहा है और सनी भी बहुत गुस्सा हो रहा है कि उसे पार्क जाना है जल्दी से, तो जल्दी से ट्राई कर रहे हैं खत्म सब काम करके पार्क चलते हैं। तू ट्राई कहाँ कर रहा है? दीदी ही कर रही है जो कर रही है। मैं बैठा हूँ थोड़ा साहस देने के लिए। सॉरी अब जब पार्क का वक्त लेट ही हो गया तो क्या सॉरी बहुत क्या हो गया। तो अभी पापा मम्मी ने मना कर दिया पार्क जाने से, सनी मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है पर अभी कैमरा उसकी तरफ मैं घुमाऊंगा अभी तो मुझे बहुत कुछ बोल सकता है वो। सनी 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 गुस्सा क्यों है यार? मेरी वजह से थोड़ा ना क्या ऐसा हुआ है कि तू पार्क नहीं गया। छोड़ो कोई बात नहीं, अपना काम करते हैं अब शुरू। सनी कैसा लगा पार्क जाके आज? बहुत अच्छा था। सनी बहुत ज्यादा गुस्सा है मेरे से। जब जब ये खाना खाता है खाने के लिए बैठता है ना 3 घंटे खाता अपने नमकीन ले लिया मैंने, प्रोजेक्ट बनाऊंगा नमकीन खाते खाते पता ही नहीं चलेगा कब प्रोजेक्ट बन जाएगा। चलते हैं प्रोजेक्ट बनाने। ओए मेरा नमकीन मत खा। तो कल दीदी ने जो पास्ता बनाया था उसमें नमक बहुत ज्यादा था और कुछ बनाने में भी उसको गलती हो गया था, तो आज मैं जा रहा हूँ और कुछ कुछ सामान लाने के लिए जो कल कम पड़ रहा था। तो अभी जाते हैं दुकान और कुछ मिर्च शिमला मिर्च ये सब लाना है, जल्दी से लेके आते हैं। और सनी आ गया। सनी तू गुस्सा है? तेरे को पार्क जाके कैसा लगा आज? बहुत अच्छा, जैसे तू खाना खाता है 3 घंटे वैसे ही लगा। ये मेरे से गुस्सा कुछ भी बोल रहा है मेरे बारे में। तो चलते हैं जल्दी से सामान लाने के लिए, बाय बाय। और इस अपार्टमेंट में मेरा दोस्त, ये बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा। जब भी मैं इसके पास आता हूँ ये हमेशा ऐसे करता रहता है। तो मैं उस डॉगी के लिए बिस्किट ले जाता हूँ। ले। गुड बॉय। सनी ने इसको बिस्किट खिला दिया, अब इसके पास ही आके नाइस। अब मेरा दोस्त बन गया ये। अच्छा रहा। मेरे घर के पास रहना आपको और बिस्किट दूंगा, ठीक है? भाई ये क्या तू लालच दे रहा है उसको, बड़ा ऐसे समझ आ रहा होगा। ये रहा तेरा कश्मीरी लाल मिर्च और शिमला मिर्च। तो अभी दीदी पास्ता बना रही है हमारे लिए। कल नमक ज्यादा हो गया था इसीलिए बहुत ज्यादा हो गया था नमक। और आज मैं सामान सब भी ले आया हूँ, कुछ और अच्छे से बना सकती है दीदी, क्यों से नहीं। तो चल के देखते दीदी बना रही है कैसे। दीदी ने पास्ता सब उबाल लिया है बढ़िया से। वो रहा हमारा पबजी वाला पैन। याद ये देखे ना, पबजी की याद आ जाती है मेरे को अचानक से। ये रहा हमारा कच्ची घानी सरसों तेल। दीदी ने चटनी बनाया। ओ ओ माय ओ भाई, टमाटर डाल दी, दिखने में लग रहा है एकदम तोप टाइप का। सो तैयार हो गया है पास्ता दीदी। खराब देख लिया। पापा भी हंस रहे दीदी पे कि बोल रहे आज अगर खराब हुआ तो देख ले। ऐसे चेहरा मत देख, काफी अच्छा नहीं लगता है। क्या बोला? ऐसे चेहरा मत दिखा कर उस मिरर में, काफी अच्छा नहीं लगता है, मिरर भी शर्मा जाएगा किसको देख लिया मैं। आज का सही में बहुत बढ़िया बनाया दीदी ने, तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। कल मम्मी पापा और दीदी कहीं पे जाने वाले हैं तो उसके बारे में आपको कभी और बताऊंगा। तो चलते हैं पहले कॉफी बनाते हैं। क्यों तो पापा ने मम्मी ने क्या बोला है बताओ? मतलब पापा ने क्या बोला? बोलो ना, बोलो। पापा ने बोला अगर कल आने में हमें लेट हो जाए तो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना। ये बात सुनकर सनी एकदम खुश हो गया है। पापा का जानबूझ के लेट करवा। सनी देख मेरे से कितना लंबा हो गया।
कहाँ चल रहा भाई म्यूजिक, ऐप ही नहीं दिख रहा। भाई अभी लिखते लिखते अचानक से कुछ चढ़ गया हाथ पे, मैं चढ़ गया शायद। कभी लिखा नहीं ना जिंदगी में तू इतना। हाँ बहुत अच्छे भाई, ये एरिया पूरा एकदम सुन्न पड़ गया हिल भी। हाँ तो अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी मेरा काम चल रहा है प्रोजेक्ट का, आपको बताइए मैं कितनी बार बोल दिया मैंने आज। तो अभी मम्मी खाना बना रही है और दीदी भी हेल्प कर रही है थोड़ा सा, तो चल के पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद अपना प्रोजेक्ट बनाना कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो। पढ़ते समय हेडफोन इसीलिए है क्योंकि मुझे गाने सुनते सुनते लिखने का अच्छा लगता है थोड़ा सा। मम्मी खाना बन गया क्या? हाँ। दीदी तू क्या कर रही है यहाँ पे? ये लगा रहे। तो अभी बज रहे हैं 12:00 और खाना पीना खा के ठीक हो रहे हैं जो भी, तो अभी खाना पीना खा के हम बैठे हुए थे और बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं हम। मुझे बहुत सारा लिखने का काम है तो मैं ज़्यादा बना नहीं पाऊंगा और एडिटिंग दीदी करेगी मेरा ब्लॉग आज का। क्यों दीदी? ये अपना एडिटिंग करेगी अभी। तो बस चलो सनी कम ऑन, तू बोल दे कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भैया सुनिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, ठीक है? दीदी मेरा आज का एडिटिंग कर देगी ना तू? तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय। चलो मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, बाय बाय। बाय बाय।